सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे जीवन को दिव्य बनाने का और शिव संकल्प से युक्त होने का संदेश आदेश उपदेश यह कल्याणी वेदवाणी देती है इस जीवन को हम धन्य बनाएं और ऊर्धरोहण के लिए हम नए कीर्तिमान गढ़ते जाएं आत्म कल्याण विश्व कल्याण की यह पावनी परंपरा को आत्मसात करें और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे जीवन में साधना होगी हमारे जीवन में हमारे मन का हमारे तन का आरोग्य हमारे पास होगा तन मन के आरोग्यता के लिए हम नित्य प्रति योग व्यायाम प्राणायाम करें तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही शक्ति हमको प्राप्त होगी और हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा इस समष्टि का भी कल्याण होगा इस दृष्टि से हमको सदा ओतप्रोत रहना चाहिए हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप मन की क्या गति है मन का क्या हमारे जीवन में हमारे व्यवहार में क्या उसका योगदान है ऐसा मन ऐसा यह जीवन बने जिससे हम अपने सगे संबंधियों में भी और इस पूरी समष्टि के प्राणी मात्र के लिए हमारा जीवन सदुपयोगी हो सके बहुत सुंदर वेद मंत्र है यजुर्वेद के छठे अध्याय का अठारवा मंत्र आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ प्रथम इसको लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा ओम संते मनोमनसा మనో మనసా మనసే మనో మనసా మనసాణ संप्राणः प्राणेन गच्छताम्

अग्निष्ट्वा श्री रात्वा पास्त्वा श्रीणा त्वा पस्त्वा श्रीनात्वा पस्त्वा श्रीनात्वा पस्त्वा समर प्रेद से समृण समृणन वातस्य त्वा उष्णो परम या उष्मणो रमह्याऊष्मण व्यथिषत प्रवुत द्वेश व्यथिशत प्रयुतम द्वेश यजुर्वेद के छठे अध्याय का यह 18वां मंत्र है ओम समते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छतां रेडस्य अग्निश्वा श्रीणात्वा पस्त्वा समरिणन वातस्यत्वा ध्राज्यै पूष्णो रह्या ऊष्मणो व्यथितत् सत्प्रयुतं द्वेशः ॐ समते मनो मनसा संप्राणः प्राणेन गच्छतां रेडस्य अग्निश्वा श्रीणात््वापस्त्वा स्मरणं वातस्यत््वा ध्राजय पूष्णो रमhya ऊष्मणो व्यथितत् सत्प्रयुतं द्वेशः बहुत सुंदर वेद मंत्र है कहा है कि जो इस मंत्र का देवता है ऋषि है ऋषि दीर्घतमा देवता आपा है इस प्रकार से जो पहला वेद मंत्र इसका सत्रहवा जिसमें सबसे बड़े पाप की चर्चा की है जिसमें कहा कि किसी से द्रोह करना ये पाप है और असत्य बोलना अनृत बोलना झूठ बोलना यह भी बड़ा पाप है और उससे भी आगे की बात कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति निष्पाप है निष्कलंक है उसको कोसना उसको दोष देना उसकी बुराई करना यह भी बड़ा पाप है जानी पवित्र आत्मा लोग हमें इन पापों से छुड़ाएं और उसी कामना से मन और प्राण की साधना के लिए यहाँ पर इस मंत्र में कहा है जिसका ऋषि स्वयं दीर्घतमा है अग्नि है और बहुत ही सुंदर बात कही है उस प्रभु उससे कहते हैं कि ते रेता जो ते तेरा मन मनसा मन शक्ति से संगच्छताम संगत हो प्रभु की प्रेरणा प्रभु का आशीष सब मनुष्यों को मिला हुआ है और क्या सही है क्या गलत है हमको अपने जीवन में कैसे कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए इसका भी ज्ञान छोटी छोटी बातों का भी हमको ध्यान रखना है और अंतःकरण, जो हमारी आत्मा है जो हमारा अंतस्थल है उसमें उस परमात्मा का उपदेश उसका संदेश उसकी प्रेरणाएं हमको आहारनिस्म मिलती रहती हैं क्या करना क्या नहीं करना करने के पहले हमको जो संकेत होता है जो जान से युक्त हैं विवेक से युक्त हैं धर्मात्मा हैं सात्विक हैं वे साधक वे सज्जन कभी भी गलत कार्य नहीं करते पाप से बचते हैं और मन को साधते हुए मन चिंतन पूर्वक मनन पूर्वक मनन शक्ति से संगत क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनों जग में होत हसाए हम पहले बहुत बार विचार करें मन का यही कार्य है मनन करना और मनन चिंतन पूर्वक हम कर्मों को करें तो इसलिए यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि ते तेरा मन मनसा मन की शक्ति से मनन चिंतन के शक्ति से संगत हो और प्राण जीवन जो है जो प्राण है वो प्राणेन मन मनसा प्राण प्राणेन अर्थात जीवनी शक्ति से संगच्छताम संगत हो अर्थात तुझे या तुझ में ऋषियों की मनन शक्ति हो जो ऋषियों का ज्ञान था वो उच्च चेतना में उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के अपने आत्मकल्याण से और इस समष्टि के कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए जैसे जैसे उन्होंने कर्मानुष्ठान में अपना ध्यान लगाया और ऐसा जीवन जी उन्होंने बिताया वैसे ही तुम भी अपने मन को अपने प्राण को इस शक्ति से इस सामर्थ्य से युक्त करो ताकि मनन की शक्ति चिंतन की शक्ति और यह जो जीवनी शक्ति है इसका तुम आधान कर सको अपने आप में या मेधा देवगणा पितरश तया मा मध्य मेधाग्नि मेधाविनम करो हे परम पिता परमेश्वर हम जो कामना करते हैं याचना करते हैं प्रार्थना करते हैं कि हम उस मेधा से युक्त हो जाएं अभी इसी क्षण हमको उस मेधा से उस रितंभरा प्रज्ञा से युक्त कर दीजिए उस शिव संकल्प वाले मन से युक्त कर दीजिए जिससे हमारा उद्धार हो जाए हमारा हर प्रकार से सुधार हो जाए और हम जीवन और जगत के कल्याण के लिए कुछ करने का सामर्थ्य अर्जित कर पाए तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही कि तेरा जो है यह मन और प्राण शक्ति वाला हो जाए अर्थात तुझमें ऋषियों की मनन शक्ति और जो है जो पहलवान है जो शरीर से बलवान है ऐसी शक्ति तेरे अंदर हो जाए क्षत्र और ब्रह्म दोनों ही खूब विकसित हों और रेट असी रिस हिंसायाम तू ज्ञान प्राप्ति में विघ्न भूत काम आदि वासनाओं का संहार करने वाला बन जा और रोगों के कारणभूत स्वाद आदि को समाप्त करने वाला बन जा ये दो कारण हैं, एक वासना और दूसरी रसना वासना को और रसना को यदि हम नियंत्रित कर पाएंगे इसको हम वश में कर पाएंगे तो जीवन के सारे संघर्षों में हम विजयी हो पाएंगे बहुत सुंदर बात कही है कि अपने जो रेडस्य अग्निष्टवा तू जो है हिंसा करने वाला बन जा हिंसित कर अर्थात उनको हिंसित कर जो तुझको तेरे इस दिव्य भाव को दूषित करने वाले भाव हैं कुविचार हैं कुसंग है या जो अधर्म है अन्याय है इसको तू हिंसित कर अर्थात इससे दूर हो जा परे हो जा ऐसी बात यहाँ पर कही है और जान की जो आवरण ये जो अंधकार की स्थिति है इसको दूर कर दे और वासनाओं का जो अंधकार है उसको भी दूर करने का उसको संघार करने का सामर्थ्य तेरे अंदर आ जाए और ये मन के भी तन के भी रोग आते हैं तो आहार और विचार से आते हैं आहार शुद्ध हो तो मन भी शुद्ध होगा जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन इसलिए ये कहा है कि तू स्वाद के चक्कर में न पढ़ करके स्वास्थ्य के लिए अन्न पान कर अन्न का दान कर ये सारा तेरा जीवन चमक जाएगा अग्नि जान अग्नि ऋणा तू तु, तुझ में परिपक्व हो जो जान की अग्नि है तो अपने जीवन में जान अग्नि को परिपक्व कर अर्थात जान अग्नि के कारण तेरे विचार इतने परिपक्व हों कि तू अधर्म के मार्ग को कभी भी उसको स्वीकार न कर धर्म के मार्ग पर सदा चलता रहा और धर्म के मार्ग पर यदि कोई उलझन है कोई समस्या है तो उसका समाधान करके विचलित ना होते हुए सदा आगे बढ़ते रहना सज्जनों का यही कर्तव्य है और भरथरी हरी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीवन में कितना भी दुख हो क्लेश हो कष्ट हो कभी भी हार नहीं मानी चाहिए जब हार गया मन से हार गया तो सम समझो संसार से हार गया इसलिए निंदुतिपुड़ा यदि वास्तु लक्ष्मी सामशतु गु यथे अद्वे वा मरणमस्तु वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा ये जो जीवन है ना जो धीर वीर गंभीर है उनको दुनिया की परवाह नहीं होती उनकी उन्होंने जो संकल्प कर लिया है उन उस संकल्प में कभी विकल्प नहीं आता है कितना भी कष्ट हो कितनी भी समस्याएं आए उनको वो हँसते हुए सहन कर जाते हैं और मृत्यु आज आ जाए चाहे लक्ष्मी आए चाहे चली जाए चाहे जीवन और दीर्घकाल का हो जाए चाहे कोई कुछ भी कहे बुराई करे स्तुति करे निंदा करे मान करे अपमान करे चाहे कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे चाहे कलंकित करे चाहे अलंकृत करे वे कभी धीर वीर गंभीर जो एक बन करके रहते हैं एक बनो नेक बनो जिनकी जो है कथनी में करनी में कोई अंतर नहीं है वास्तव में उनका जीवन धन्य है और वह जान से और विचार से परिपक्व लोगों का यह कार्य है आपा विद्याओं को व्याप्त करने वाली लोकता तुझे समृणन उत्तम गति वाला करें ऋणती ही गति कर्मसु ये गति के अर्थ में है तो जल तेरे सब अंग प्रत्यंगों व ग्रंथियों को ठीक गति वाला करें क्योंकि जल जो सोम तत्व है जल को हम सोम तत्व की जो है गणना करें सोम तत्व के नाम से संबोधित करें और जो जितना भी इस संसार में पदार्थों का हम जो दर्शन करते हैं तो दो ही उसमें तत्व विशेष रूप से कार्य करते हैं एक है सोम और दूसरा है आदित्य जो सोम से युक्त है वो तरलता से वह जो है जलीय तत्व से युक्त है और जो सोम के विपरीत है सोम का जो अग्रि तत्व विपरीत का तात्पर्य यह है कि दो दूसरा जो तत्व है वह शुष्क शुष्कता से वह जैसे आदित्य है तो आग्नेय है वह और यह सोम तत्व जो जलीय है तो हमारे शरीर में जल की कमी ना हो और अग्नि की भी कमी ना हो ये जल और अग्नि ऐसे तो पंच तत्व से हमारा पूरा जीवन चलता है तथापि जगत और जो जहाँ हम रहते हैं इस पृथ्वी में भी सत्तर प्रतिशत जल है शरीर में भी सत्तर प्रतिशत जल है तो हम जलीय जो तत्व है जो सोम तत्व है उसकी कमी ना होने पाए हम गति वाले बने जहाँ गति होगी क्योंकि जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ठीक नहीं है वहीं पर रोग हो जाते हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है तो रक्त संचार अच्छी प्रकार से प्रवाहित हो उत्तम गति वाला हो यह तेरा शरीर बहुत ही स्वस्थ हो तुझे वातस से वायु की ध्राज्यई तीव्र गति के लिए ऊष्मण तेजी से क्रोध में आ जाने से व्यतिशत व्यतिशत भयभीत कर दूँ दूर भगा उसको अर्थात क्रोध से तू डर और इस क्रोध से सदा बचकर रहकर वायु की तरह अपने कर्मों को जो है तू अनुष्ठान कर वायु वेग के समान कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्रगति को प्राप्त कर पूषणाहा पोषण के जो देवता सूर्य की रहियो गति के लिए अर्थात सूर्य के समान नियमित जो कार्यक्रम में लगे रहने के लिए द्वेशाद्वेश से प्रयुतम दूर करें यू अमिश्रण मनुष्य जब द्वेष की भावना से युक्त होता है तब सूर्य के समान निर्लेप नहीं हो पाता मनुष्य द्वेष से ऊपर उठ कर के ही न्याय मार्ग पर चल पाएगा इसलिए धर्म के मार्ग पर कर्म के मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहें जैसे सूर्य स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही हम इस कर्म के धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे जैसे सूर्य चंद्र अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यही परिविम देंगे शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ओम शांति शांति शांति